हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुजीत ब्लॉग। सर आज हम बात करने वाले हैं KTM 2020 मई का जो प्राइस लिस्ट है उसके बारे में, बिकॉज आफ्टर लॉकडाउन जो प्राइजेस हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के इंक्रीज हुए हैं, हाइक लिया हुआ है। जैसे कि लग रहा था कि प्राइस जो है डिक्रीज होने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। प्राइस जो है टोटली इंक्रीज हुए हैं, 4,000 to 5,000 का KTM में जो इंक्रीज कहा जा रहा है हर एक मॉडल में। पहले हम देख लेते हैं जल्दी से प्राइस लिस्ट, फिर बात करते हैं क्या रीजन है इसके पीछे कि ये जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ हुआ है। तो दोस्तों KTM का जो ड्यूक है, RC है, ADV, उसका प्राइस लिस्ट आपके सामने आ रहा होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि BS6 KTM जो ड्यूक 125cc है 1.42 लाख की आ रही है, ड्यूक 200 जो है 1.77 का है, ड्यूक 250 जो है वो 2.05 लाख का आ रहा है, ड्यूक 390 जो है 2.58 लाख का है, RC 125 1.6 लाख का है, एंड RC 200 2.01 लाख के आपको पड़ेगा, एंड RC 390 जो है 2.53 लाख का आ रहा है, और जो एडवेंचर मॉडल है ADV 390 मॉडल है वो आपको पड़ेगा 3.04 लाख में। तो दोस्तों ये है अपडेटेड प्राइस लिस्ट। इसमें अगर आप देखेंगे लास्ट के मॉडल से, अगर आप लास्ट के प्राइसिंग से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों 4,000 to 5,000 का चेंजेस आया है। ये जो प्राइसिंग है ये एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों, तो जो ये प्राइस आपको मिलेगा ये ऑल ओवर इंडिया को सेम ही मिलने वाला है, इसमें कोई चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं होगा। अब दोस्तों बात की जाए अगर प्राइजेस क्यों चेंज हुए हैं, तो दोस्तों प्राइजेस आप जानते ही हैं कि BS6 के टाइम पे ऑलरेडी चेंज हुए थे एंड इंक्रीज हुए थे। अब दोबारा जो लॉकडाउन के बाद में प्राइजेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, उसका मेन रीज़न है ये जो 2 मंथ का लॉकिंग पीरियड था। दोस्तों 2 मंथ के लॉकिंग पीरियड में बहुत सारे चेंजेस मॉडिफिकेशन आए हैं, जो कंपनीज हैं वो लॉसेस में चल रही हैं, ऑब्वियसली उसको कवर करने के लिए कहीं ना कहीं प्राइसेस तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा। तो नए टैक्सेस जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों को देख के, जो BS6 के कंप्लायंस और एमिशन नॉर्म्स को देख के, ये जो प्राइस है हाइक है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। और दोस्तों जिनने भी बुक करा रखा होगा मॉडल ये, अब उनको इस नए प्राइस में बाय करना पड़ेगा, क्योंकि बुकिंग के टाइम पे आप प्राइस लॉक नहीं करते। जो करंट जब आप बाय कर रहे होते हैं, जब एक्चुअल बिलिंग हो रहा होता है उसमें जो प्राइसिंग होता है वही कंक्लूड किया जाता है, वही कंसीडर किया जाता है। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपके लिए अपडेट ये बहुत अच्छा लगा होगा। एंड ऐसी अपडेट्स के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड लाइक करते जरूर जाइएगा, एंड अपने फ्रेंड फैमिली या कलीग को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि अगर वो प्लान कर रहे थे बाय करने का तो उनको पूरा अपडेट मिल सके। तो ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए गुरुजी ब्लॉग। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। बाय।